उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे इस चैनल को इसी तरीके से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं। तो गाइज आज मैं आपको सर्दियों के दिनों में हम किस तरह का वेस्ट डिकम्पोजर बनाएं उसी का तरीका आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि ये जो वेस्ट डिकम्पोजर मैं आज आपके लिए बनाने वाली हूँ ये बेहद ही पौधों में फायदेमंद है, क्योंकि जाड़े के दिनों में हमें अपने पौधों में इसी तरीके का वेस्ट डिकम्पोजर यूज करना चाहिए जो कि पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है, पौधे में फ्लावरिंग को बढ़ाता है। और इस वेस्ट डिकम्पोजर का यूज हम अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के अलावा अपने फलों के और सब्जियों के पौधे में भी कर सकते हैं। तो ये वेस्ट डिकम्पोजर पौधों में बेहद ही फायदेमंद है और इसे डालने से आपके पौधों में फ्लावरिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बकेट चाहिए, पुराने बकेट ले लीजिए और उसमें आपको इस तरह से 5 लीटर पानी ले लेना है। 5 लीटर पानी लेने के बाद इसके बाद हमें इसमें क्या क्या डालने वाले हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या यूज करना है। तो देखिए ये हमारे पास 3 चीजें हैं और ये क्या क्या है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला तो ये हमारे पास गुड़ है, इसे नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, तो इसे भी हम अपने वेस्ट डिकम्पोजर में यूज करेंगे और इसे हम पानी में डाल देंगे। गुड़ आपको पंसारी की किसी भी दुकान में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद हम अपने वेस्ट डिकम्पोजर में दूसरी चीज जो यूज करेंगे वो है सरसों की खली। सरसों की खली जो कि ये केक फॉर्म में है, आप इसे पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। सरसों की खली में नाइट्रोजन 5.2% होता है, पोटाश 1.2% होता है और फास्फोरस 1.5% होता है। तो इस तरीके से हम इस सरसों की खली को भी अपने पानी में डाल देंगे। इस तरीके से ये 100 ग्राम सरसों की खली है और हमें इसमें 100 ग्राम यूज करना है और गुड़ भी हमें 100 ग्राम ही यूज करना है। इस तरह से हम इसमें ये सारी डाल देंगे। इस वेस्ट डिकम्पोजर में तीसरी चीज हम डालेंगे गोबर की खाद। आपको बहुत पुरानी गोबर की खाद लेनी है, मतलब 1 से 2 साल पुरानी अगर आपको गोबर की खाद मिल जाए तो आप इस वेस्ट डिकम्पोजर को बनाने में तीसरी चीज यही यूज करनी है हमें। तो हम इसमें लगभग 200 ग्राम गोबर की खाद डालेंगे, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम सरसों की खली और 200 ग्राम गोबर की खाद हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से 15 दिन के लिए हमें इसे ढककर 15 दिन के लिए हमें इसे ढककर छोड़ देना है। इस तरह से ढक के हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आपको हर दूसरे तीसरे दिन इसे ढक्कन खोलकर इसी तरीके से चलाते रहना है और 15 दिन हो जाने के बाद एक पतली सी लेयर फफूंद ऐसी इसके ऊपर आ जाएगी और इसमें थोड़ी गंध भी आने लगेगी। उस गंध को थोड़ा सा आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधों में इसी तरीके से अच्छी फ्लावरिंग हो तो आपको उस गंध को थोड़ा सा सहना पड़ेगा। डलने के बाद वो फिर मिट्टी में अब्सॉर्ब हो जाता है। तो इसी तरीके से आप इसे लगभग 15 दिन के बाद वेस्ट डिकम्पोजर के तैयार होने के बाद आपको इसमें से 1 मग्गा इसका लिक्विड ले लेना है इस वेस्ट डिकम्पोजर का और 10 मग इस तरह के 10 मग पानी में मिलाकर आप अपने सभी पौधों में जितना जिसकी क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब एक क्वांटिटी बनाइएगा और उसी हिसाब से आप छोटे और बड़े गमलों में आधा या 1 मग्गा यूज कर सकेंगे सभी प्लांट्स में। तो इसी तरीके से आप इस वेस्ट डिकम्पोजर को सर्दियों में जरूर बनाइए और यूज करिए। अगर आपको मेरी ये जानकारी वेस्ट डिकम्पोजर पे अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।